हेलो गाइस, क्या हाल चाल है यार तुम्हारे। तो गाइस कैसे भी हो, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। तो गाइस आज हम लोग करने वाले हैं गेम प्ले बरमुंडा रीमास्टर्ड का, और रैंक्ड मैच है ये देखो, क्योंकि यहाँ पे हरी सी लाइन नहीं है, यानी कि रैंक्ड मैच है। तो अब मज़े आएंगे रैंक मैच खेलने में। और आज मैं थोड़ी टिप्स देने वाला हूँ कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। सबसे बढ़िया टिप तो यही है कि ये दूसरा घर जो है यहाँ पे छुप के ऐसे करके प्रोन होके बैठ जाओ, ठीक है। वो सामने से बंदे आएंगे तो यहीं से मारो। वो देखो तीसरा बंदा खुले में चला गया। ये देखो थोड़ा सा बटन ऊपर कर दो, जिसकी वजह से वो हेडशॉट लगने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। देखो हेडशॉट खा गई। अभी वो बंदा थोड़ा आगे छुपा हुआ था, मतलब है ये यहाँ पे छुपा हुआ है, यहाँ कहीं पे है। को मेडी मार रहे हैं, क्या पता वो दो हेडशॉट या फिर M500 से हेडशॉट मार दे तो काम खराब हो जाएगा ना अपना। अभी यहाँ छुप जाओ, अभी ये नीचे तो कूदेगा ही पागल। लो खत्म, लास्ट फिनिश, टाटा गुड बॉय। तो अगला नूरिक डैम है, तो इसमें या तो आप लोग MP5 ले सकते हो या थॉम्सन ले सकते हो। तो थॉम्सन ही रहो, सबसे बेटर वही है। और इधर से जाओ, इधर से यार, मुझे लगा कि इधर से आ नहीं रहे बंदे। चलो खैर, इसने तो मारी दी, इसकी तो 5 HP बची है खाली, ये तो बेचारा नॉक हो ही जाएगा। ये देखो हरा दिया। इसमें थोड़ी मेरी गलती हो गई कि मैं थोड़ा आगे चला गया। इस राउंड में थोड़ा दूर का रेंज से खेलना है, तो M4A1 या फिर MP5। तो मैं तो MP5 लेता हूँ, क्योंकि वो मेरे पास डबल डैमेज की है, डबल डैमेज देती है, मज़ा आ जाता है बिल्कुल। और इस राउंड में इधर साइड से जाना है, इधर से। ये हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे कभी कभार बंदे आ जाते हैं, तो बस थोड़ा सा ऐसे कर लो और फिर आ जाओ। और ये हम लोग आ चुके हैं पीछे। ये देखो मैंने एक को मार दिया। मेरा
मेरा गेम थोड़ा लैग कर रहा है पर चलो तब भी। ये देखो हो गया और M187 मुझे ज़्यादा अच्छी लगती नहीं है, मैं चलाता नहीं हूँ, बेकार लगती है, घटिया, या तो चलानी है नहीं चाहिए, जैसे मुझे चलानी नहीं आती तो मैं क्या करूँगा M187 का। इसलिए मैंने गिरा के ये वैस Level 2 की ले ली और एक वॉल ले ली और एक ये ले ली। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कहाँ जाना होता है, यहाँ पे जाना होता है, ये देखो यहाँ पे गए, यहाँ पे गए और ये मेरी सीढ़ियाँ यहाँ से चढ़ गए ऊपर। अब बस यहीं चुप के बैठ जाओ और जैसे ही कोई बंदा ऊपर या इधर उधर आए या दिखे भी पट्टा से हेडशॉट मार, बॉडी शॉट भी चल जाएगा। वैसे भी 95 वैसे दो बॉडी शॉट लगेंगे तो ऑलरेडी नॉक हो जाएगा। और ये मैं देख लूँ क्या कहीं इधर तो नहीं है कोई बंदा। हाँ इधर ना वो लोग बाहर निकल रहे हैं ना हम लोग निकल रहे हैं। बाहर ही नहीं आ रहा कोई, वाह क्या बात है। अरे यार कहाँ से आ जाते हैं, जब हम वेट कर रहे थे तब तो नहीं आ रहे थे, जब हम वेट नहीं कर रहे थे तब तो आ रहे थे। अब पागल इमोट दिखा रहा है, हैं इमोट दिखा रहा है। ये देखो भाई आदित्य पीछे है बंदा, अब तो गए काम से, अब तो गए। खैर चलो हमारे 2.1K की है, अभी वैसे भी जीत सकते हैं। ये पता नहीं कहां से क्या कौन, ये देखो MP5, पिछली बार मैंने MP5 लेके इसको मारा था इसलिए ये पागल वो लेके आ गया, घटिया इंसान। और ये वुकोंग बना बैठा है, ये देखो लेफ्ट से बंदा आ रहा है, दिख रहा है, ये देखो देखो कितने पागल लोग हैं। ये देखो ये Diamond 1 का था, चलो खैर कोई बात नहीं, हम जीत ही जाएंगे जैसे भी कैसे, जैसे वैसे कैसे। वॉल बहुत जरूरी है वरना काम खराब है अपना। अरे ये कोई गन क्यों नहीं ले रहा, हाँ आप ले लो इसमें। असल में ज़्यादातर कभी कभार रैंक मैच पे सब लोग एग्जिट कर देते हैं क्योंकि मतलब टीममेट्स एक तो ज़्यादा वो कभी कभार प्रो नहीं आते, बहुत नूब आते हैं, जैसे मेरी टीम में अभी आए हुए हैं। ये क्या मारा, मैं थोड़ा दूर का रेंज खेलनी चाहिए थी। खैर मेरे मैं तो दूर की रेंज ही खेल रहा हूँ। असल में जो SKS होती है वो पास की रेंज के लिए काफ़ी सही रहती है। M187 अब तो चलानी आ ही गई पर तब भी यह
जरा रीलोड कर लूं। ये देखो क्या वन टैप लगा, वन टैप। कभी कभार लगता है ये मुझसे ऐसे बहुत कम, मैं मारने की कोशिश करता हूँ वो पागल, लगता नहीं, आज लगा। चलो अभी तो गाइस मेरे पास M187 ही है, देखते हैं क्या होता है। वैसे मुझे लगता नहीं है कि मतलब हो पाएगा M187 से। ये देखो गाइस अब हो गए पूरे पूरे, मज़ा आ गया। सब के सब वो नॉक पड़े हुए हैं और उनके हम दो हैं वो एक ही हैं, तो जीतना ही है अब तो। और ये रैंक्ड मैच है, ये देखो जीत गए। मैंने पहले ही बताया था, वैसे तो M187 अच्छी है, जिसको नहीं चलानी आती वो भी अगर खाली एम करके भी मारेगा तो भी लग जाएगी। ये देखो मैं हूँ MVP क्योंकि मैंने ज़्यादा किल किए, डैमेज भी मेरा बहुत ज़्यादा था। तो गाइस बस आज की वीडियो में इतना ही, होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑल पे कर देना, ठीक है। चलो ओके बाय।